रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। घर की कमरे के अंदर चार मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर वे सब एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ तो लूट मार मची हुई है, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। ऐसा कहकर वह मोमबत्ती कुछ देर में बुझ गई। तभी दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ, मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी कुछ देर बाद बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त हो गया है कि मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है। लोग अपनों से ही प्रेम करना भूलते जा रहे हैं, मैं ये सब और नहीं देख सकती। इतना कहते ही तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। बुझते ही एक छोटा सा बच्चा कमरे में आया। मोमबत्ती को बुझा देख वह घबरा गया। वह जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए कहने लगा कि तुम मोमबत्तियाँ जल क्यों नहीं रही हो। तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ, और जब तक मैं जल रही हूँ तो तुम फिर से बुझी हुई मोमबत्ती को वापस जला सकते हो। यह सुनकर बच्चे का चेहरा खिल उठा और आशा के बल पर उसने शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। जब सब कुछ बुरा होते हुए दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराए लगने लगे, तो उम्मीद मत छोड़िए। इसमें इतनी शक्ति है कि यह हर खोई हुई चीज़ वापस मंगा सकती है। इसलिए अपनी आशा की मोमबत्ती हमेशा जलाए रखिए, क्योंकि अगर ये जलती रहेंगी तो आप किसी भी मोमबत्ती को फिर से प्रकाशित कर सकते हैं।